हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप की पाठशाला बाय नवमिता एम सिंह। आई हैव रिसीव्ड सो मेनी ऑफ मैसेजेस फ्रॉम यू एंड आई थिंक मुझे लगा कि आप लोगों को आईलाइनर के बारे में काफ़ी खत्म करेंगे। फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट द जेल आईलाइनर। जेल आईलाइनर ऐसे पॉट्स में आते हैं। ये मेबेलिन जेल आईलाइनर है एंड द सेम काइंड ऑफ जेल आईलाइनर आपको क्राइलिन, फेसेस कैनेडा एंड डिफरेंट वराइटीज में मिलेगा, बट द सेम थिंग, ये पॉट्स में आते हैं विद अ ब्रश। जेल आईलाइनर के साथ हम स्मोकी लुक्स क्रिएट करते हैं। इट कैन बी द स्मोकी आई शेडो, इट कैन बी द स्मोकी आईलाइनर लुक। कोई भी स्मोकी लुक्स आपको क्रिएट करने के लिए आपको जेल आईलाइनर यू नीड टू यूज ब्रश टू अप्लाई दिस आईलाइनर। इसके साथ जनरली ब्रशेस आते हैं, टेक अ फ्यू स्वॉच इन योर ब्रश और इसको उल्टा करके रख देना, बिकॉज ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। नाउ टेक अनदर ब्रश टू स्मज इट एंड गिव इट अ स्मोकी लुक। इन द सेम वे यू नीड टू ड्रॉ इन योर लोअर लैश लाइन एंड स्मोक्ड आउट दिस। This is the final look of the smoky eyeliner. Two is a liquid eyeliner which comes in felt tip, brush tip and sponge tip. Here I am using Lakme Absolute Shine Eyeliner in copper color in brush tip. Liquid eyeliners are most dense in color and it is used to create Arabic looks and perfect V. At the same time it is very tricky to use the brush tip. This is a look I have created with this liquid colored eyeliner. Number 3 is the gel eyeliner in a pencil form. Like this. ये जेल आईलाइनर है क्योंकि इसके साथ भी देखिए ब्रश या टिप ऑफ द स्पंज दिए गए हैं इसको स्मज करने के लिए। माइंड इट, पेंसिल आईलाइनर मार्केट में बहुत सारे हैं। कलर्ड आईलाइनर भी पेंसिल पे आते हैं एंड काजल भी पेंसिल फॉर्म में आते हैं। दिस इज द लिक्विड आईलाइनर इन फेल्ट टिप। इसके जो टिप्स हैं या जो ब्रश हैं वो हार्ड होते हैं। दिस इज़ अ डिफरेंस एंड दिस इज़ अ मस्ट बाय फॉर द बिगिनर। जैसे मैंने स्मर्ज्ड आउट पहले लुक्स बनाई थी, अब मैं एक डिफाइंड विंग्स बनाऊंगी एंड सो दिस इज़ अ यूज़ ऑफ द लिक्विड आईलाइनर इन फेल्ट टिप। So hope I have cleared all of your doubts over eyeliner. Now you can easily make up your minds ke aap logon ko kaun si eyeliner khareedni chahiye. Stay tuned and keep watching my videos. And if you like my video, please do not forget to like, share and subscribe it. Thank you.